कोटा शिवराम कारंत एक महान कन्नड़ लेखक सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरणविद बहुलक यक्षगाना कलाकार फिल्म निर्माता और विचारक थे। आपके द्वारा 400 से अधिक पुस्तकें लिखी गई है जो आज भी समाज का मार्गदर्शन करती है। साहित्य के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण रामचंद्र गुहा ने उन्हें आधुनिक भारत के रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा था। डॉक्टर शिवराम कारंत जी को कड़ल तीरथ भार्गव एवं वॉकिंग सन साइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। शिवराम कारंत को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जिसको उन्होंने आपातकाल के दौरान वापस लौटा दिया था। ये उनकी महानता थी, ये उनकी देशभक्ति को प्रदर्शित करती है। वर्ष 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद 1977 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा उन्हें पंपा पुरस्कार, नाडोजा पुरस्कार और स्वीडिश अकादमी पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। देश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। शिवराम कारंत जी गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। उन्होंने कर्नाड सदाशिव राव के नेतृत्व में कर्नाटक में खादी और स्वदेशी के लिए भी प्रचार किया था। पर्यावरण के प्रति विशेष चिंता रखने वाले कारंत जी ने अपने उपन्यासों में पर्यावरण जागरूकता का उल्लेख किया है, जो आज भी पठनीय और प्रेरणादायी है। उनकी पर्यावरण संबंधी चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें पर्यावरणविद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कोटा थट्टू ग्राम पंचायत पिछले 18 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को कुट्टूरा सम्मान से सम्मानित करने का कार्य कर रही है। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संगीत के क्षेत्र में 40 वर्षों से भी अधिक समय से विशेष योगदान प्रदान करने वाले श्रेष्ठ गायक संगीतकार श्री विद्याभीषण जी को इस वर्ष यह सम्मान प्रदान किया गया है। आपके सामने हमने उनको सम्मानित किया है। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय विद्याभीषण जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो जो कृत्य सत्कार्य कर रहे हैं उन्हें भविष्य में भी जारी रखें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मैंने परिसर को बाहर से ही देख करके प्रसन्नता व्यक्त की। मैं यहाँ आकर के अभिभूत हूँ। यहाँ मानवीय गुणों से परिपूर्ण कार्यकर्ता और मनुष्य तैयार करने का काम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कार से प्रेरित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जिसको हमने देखा और मैं देख करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ।
अभिभूत हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली अगर हर क्षेत्र में हो जाए तो ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और भारतीय संस्कृति की प्रसिद्धि दुनिया में बढ़ेगी। मुझे ये जानकर और प्रसन्नता हो रही है कि शिवराम कारंत जी की स्मृति में स्थापित शिवराम कारंत थीम पार्क साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम जब यहाँ अंदर परिसर में आए तो हमने घूम करके देखा है कि सांस्कृतिक विरासत जो हमारे देश की है उससे बच्चों को प्रशिक्षित करके उनका जीवन सफल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सराहनीय कार्य है और इस कार्य के लिए मैं कारंत साहब के ट्रस्ट को और संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर शिवराम कारंत जी के विचार एवं कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य शिवराम कारंत प्रतिष्ठान, शिवराम कारंत ट्रस्ट एवं ग्राम पंचायत तथा क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने उनमें से बहुत सारे महानुभावों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, भावी पीढ़ी को प्रेरणादायी निर्देश दे रहे हैं और उनको देश हित में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे काम को मैंने देखा है, मैं उन सब के प्रति बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे कोटा पुजारी जी ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रित किया था, पर मैं उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कारंत जी के प्रति अच्छा काम नहीं किया है, मुझे जाना ही चाहिए। फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप समापन कार्यक्रम में आ जाइए। तो फिर मैंने समापन कार्यक्रम में आने की हाँ की और मैं आप सबके दर्शन करने में सफल हुआ, पुण्य प्राप्त करने में सफल हुआ। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप शिवराम कारंत जी के बताए हुए मार्ग पर और देश के अन्य महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश हित में, देश की संस्कृति के हित में, देश के लोगों में, देश की भावी पीढ़ी में संस्कार डालने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।